मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने इस मामले को दोषपूर्ण कहा है। दरअसल विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य के साथ वे अच्छे वकील भी हैं। बता दें कि उन्होंने ईडी मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में ईडी ऑफिस का घेराव करेगी। इस मामले पर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा से एमकेएन संवाददाता चित्रा पटेल ने सीधी बात की, आइए सुनते हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा हमारे साथ मौजूद है। नेशनल हरिवंश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है ईडी में, आप एक वकील हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये पूरी दोषपूर्ण कार्रवाई है, ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई राउंड ट्रिपिंग नहीं है, पीएमएलए अट्रैक्ट नहीं होता है। इसके बावजूद अगर आप कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप को नोटिस देना चाहते हो तो दो, वो आपके सामने आएंगे। आपको आप जो चाहे करो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? उन्होंने उन्होंने ऑफेंस कमिट ही नहीं किया है, कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है। तो ये जो तरीका है बीजेपी का, ये तरीका डराने का है, धमकाने का है। आप ये ओल्ड स्ट्रैटेजी हो गई है, बीजेपी को बदलनी चाहिए स्ट्रैटेजी। अब लोग डरते नहीं है स्ट्रैटेजी से, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है कई स्टेट्स में। अब लोग सब जगह इसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इस अब बीजेपी को एक एक करके हर स्टेट से भागा आउट कर रहे हैं। मोदी सरकार अचानक से हवी कैसे हो रही है कांग्रेस में? क्या कांग्रेस की रणनीति फेल है क्या? कांग्रेस की रणनीति फेल नहीं है, मोदी सरकार का फेलियर ही है। कोई गलत कार्रवाई करता है तो कांग्रेस का क्या फेलियर है? अरे जो कर रहा है उसका फेलियर है कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे तरीके गलत हैं, तुम प्रजातांत्रिक हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हो, तुम अपने इंस्टीट्यूशंस की डिवैल्यूएशन कर रहे हो, तुमने अपने तुम ईडी आईटी और सीबीआई की बैसाखी पर चलने की तुम कोशिश करते हो। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? कोई पॉलिटिकल पार्टी का इनके बैसाखियों पर चलती है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने पॉलिसी और प्रोग्राम्स में लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है देश में, प्रजातंत्र खतरे में है। विरोध कैसे जताएंगे आप? कल पूरे इंडिया में इसका विरोध जताया जाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के सांसद विवेक तन्खा। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने नोटिस दिया है।